बिस्मिल्ला बरकत आवाज़ के लिए दरखास्त अगर आवाज़ आ रही है तो जरूर मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको आवाज़ आ रही है ठीक है।, है और मेरी रहती है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें कुछ मिनट्स में देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि आप हमारे साथ से जुड़े और जुड़ने के साथ साथ आप शेयर भी करें ओ अलहम बहुत सारे अस्सलाम असमत वालेकुम अस्सलाम वानी वसीम यस वॉइस इज कलियर थैंक यू रिजवान शाह नुसरत अमीन समीना मजीद जियो सुल्तान डार मोहम्मद सजाद रजा खाकी उमरा जान उमरा जान वालेकुम सलाम आसिफ खान वालेकुम सलाम रूखुल इस्लाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बट अज़रुद्दीन जरगर आरिफ वालेकुम अस्सलाम खुशबू वालेकुम अस्सलाम असमत कुरैशी वालेकुम अस्सलाम आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कल मैं पहले कल के जो हमारे सवाल हैं और उनके मैं जवाब बताऊं कल मैंने पूछा था हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम क्या था तो जिन्होंने सही जवाब दिया होगा उनका नाम बिल हजम अब्दुलर है पहले सवाल का जवाब और दूसरा मैंने पूछा था ऐसा कौन सा बदबخت मोमिन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में मोमिन ही नहीं है तो जो मैंने चार ऑप्शन दिए थे उसमें से जो सही ऑप्शन था जो अपने अहलो आयाल को अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीज समझे ये थे इनके कल के जो दो सवाल थे उनके जवाब के कातिल का नाम क्या था हजम ये है कल के सवाल का जवाब और दूसरा सवाल हमने पूछा था इंसान ऐसा कौन सा इंसान बख बख मोमिन है जो नबी करीम वसल्लम की नजर में मोमिन ही नहीं है जो ऑप्शन दिए थे हम इसमें से ही जवाब जो था वो था जो अपने अहल आयाल को खजूर सलास्मत से ज्यादा अजीज समझे ये थे कल के दो सवाल जवाब तो हजब मामूल अब ये जो पाक महीना था बीस दिन चले गए आज इक्कीसवा दिन था कल शायद सबने शब किया होगा तो मेरी दरखास्त रहती है कि ये महीना अब दस दिन रह गए हैं और ना या नौ दिन रह गए हैं या आठ दिन रह गए हैं कल से तो अल्लाह बबरहन हम उस मकसद के नजदीक आ रहे हैं जो हमने मकसद बनाया था कि किसी एक शख्स का हो के हम उसको खाने काबा और उम्र के लिए टिकट देंगे तो उसमें हमने कहा था कि एक औरत का निकलता है तो महरम की टिकट भी क्यों प्रोवाइड करेगी अगर एक शख्स को निकलता है तो वो खुद जाके सफर करेगा खाने काबा का तो वो दिन नजदीक आने वाले हैं तो इनशाला हम जरूर मिलेंगे जिन्होंने सही जवाब दिए हैं और हम आप में से ही कोई एक शख्स होगा जो खाने काबा और मदीने का दीदार करेगा मेरी दरखास्त रहती है शेयर की वो मैंने बार बार कहा मेरा मकसद आपको टिकट देने का या कुछ ये तो एक इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक हदिये के तौर हमने रखा है मकसद वही है कि दीन इस्लाम के हवाले से हम ऐसे प्रोग्राम्स करें जिससे दीन इस्लाम की जो नॉलेज है उसमें हमारा इजाफा हो हम में और आप में तो इसीलिए मैं ये प्रोग्राम्स कर रहा हूँ तो आपसे मेरी दरखास्त है कि इसीलिए मैं आपको कहता हूँ शेयर करना बाकी आपकी मर्जी है आप शेयर करें या ना करें तो दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं मेरे जो हमारे पेज पे तो जरूर पेज को फॉलो करें और शेयर करें आज के सवाल मैं बताता हूं और आप जवाब देंगे तो उसके फौरन बाद ही आप आ, इसको जरूर शेयर करेगा पहला सवाल हजरत यही सलाम के कितने बच्चे थे ये है आज का पहला सलाम पहला सवाल हजरत यही सलाम के कितने बच्चे थे ये है आज का पहला सवाल और दूसरा सवाल है हजरत मूसा को अल्लाह ने कितने मुजे दिए थे ये है आज का हमारा दूसरा सवाल पहला सवाल मैं फिर से दोहराऊंगा हजरत यही के कितने बच्चे थे और दूसरा सवाल हजरत मूसात को अल्लाह ने कितने मोजे ता किए थे ये हैं आज के हमारे दो सवालत जिनको आपको जवाब देने हैं और सही जवाब देने वाले को हम मदीने खाने का बा और मदीने का टिकट यहां से प्रोवाइड करेंगे उम्र के लिए अल खलीफा है टूर एंड ट्रेवल्स जिनके साथ आपका ये बीस दिन का सफर रहेगा और जिनके बानी है मुबशिर वीरी साहब और इनका जो ऑफिस है वो नागाम में है तो इनके साथ हमने आप लोगों का प्रोग्राम रखा है तो सही जवाब आने शुरू हो गए हैं तो जो जवाबा दे रहे हैं ये अच्छी बात है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जवाब दे दें अगर आप किसी को सवाल समझ ना आया तो जरूर मुझे बताएं कमेंट में मैं फिर से यहाँ से ख्वाजा आसिफ बहदार ने जवाब दिया है मोहम्मद हसन अरुज कादिर साया आशू आदिल शफी जो जवाब दे रहे हैं मोहम्मद एहसान असलामेकुम सर वालेकुम मोहम्मद ब्रहन लोन फर्स्ट आंसर फॉर सेकेंड आंसर इज थ्रीटर शेख शिराज जावेद गुरू पीरजादा इरफान अलीना जान पडर फयाज अहमद राह खान रीम सुहेल खान अरूज महराज जोया कैशी मुदसर मीर असला मुदसर भाई क्या हाल है आप ठीक है अच्छे से आप जवाब दे दीजिए इनशाला चाहता हूँ कि आप में से ही कोई एक हो जो खान काबा और मदीना का दीदार करे सईद तो ने जवाब दिया है गुल फेरोज आकिब खान वालेकुम सर वाले आकिब खान तमन्ना जान वालेकुम असलम सजाद रशीद मुदसर अहमद शौकत नबी बट क्वेश्चन नंबर वन चोर क्वेश्चन नंबर थ्री जमीला परवीन जी इकबाल कादरी खान इम्तियाज जवाब आ रहे हैं, खुर्शीद अहमद असलाम्कम सर वाले असलम खुर्शीद वालेकुम अस्सलाम, नज़ीर अहमद नजीर अहमद अस्सलाम, जनाब असलाम कुरेशी, इनशा आप में से ही कोई होगा इनशल रातर मुंतजर लोन मोमिन आरिफ आरिफ मैं यही कह रहा था <coughs> कि जो जवाब दे रहे हैं वो शेयर की तरफ भी ध्यान दें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और जो सही जवाब बात का आप स्क्रीन चार्ट लेते हैं वो अपने पास मौजूद रखें और जो अब हम दो तारीख या तीन तारीख को लोकेशन बताएंगे कि कहाँ आपको पहुंचना है जहां पे हम ये लकी ड्रा निकालेंगे तो आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अब जाने वाले ये दिन है अल्लाह तारा करे कि हमारे ये रोज़ा कबूल हो आपके भी कबूल हो अल्लाह हमें मगफिरत करे हमारे गुनाहों को माफ कर दे हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ करे हमसे अगर कोई इस प्रोग्राम में गलती हुई है तो उसके लिए अल्लाह से दुआ करना कि हमें वो इसमें माफी अदा करे कहीं कोई जवाब मत गलत हमसे हुआ है या कुछ हुआ है तो उसके लिए हम अल्लाह तला से माफी के तलबगार हैं और आपको भी कह रहे हैं कि दुआ करें कि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो कहने में बताने में उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगा कि हजरत यही सलाम के कितने बच्चे थे ये है आज का पहला सवाल और दूसरा सवाल है हजरत मूसा आलाम को अल्लाह तला ने कितने मोजे अता किए थे ये है आज के हमारे दो सवाल पहला सवाल है पहला सवाल है हजरत के कितने बच्चे थे और दूसरा सवाल था हजरत कितने मौजे अता किए गए थे ये आज के दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछता रहता हूँ तो आपसे दरखास्त है जब आप अपना जवाब दें तो जरूर इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें ये ना समझे कि हम कहीं हाँ, हम रह गए तो वो चले गए मकसद जो हमारा हमने उठाया है हम हम लोगों ने जो हम एक दिन दिन से दिन से हम लगातार एक दूसरे को एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक के थ्रू तो हमारा मकसद होना चाहिए कि दीन इस्लाम के हवाले से अगर क्यू ने कोई पहल की है तो जरूर इस पहल में हमें पहल में जरूर हमें इसमें एक दूसरे की मदद करनी होगी आपका मदद आपका शेयर बनता है और मेरा काम है ऐसे प्रोग्राम्स आप तक लाना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे जवाब आ रहे हैं यही जान नजीर अहमद सबके जवाब मुझे मेरे पास आ रहे हैं और कल इनशाला आपको पता चलेगा कि कौन सा सही जवाब होगा वो हम कल इस वक्त अनाउंस करेंगे जरूर करेंगे दूसरा सवाल क्या है आयरा जहान बोल रही है मैं दूसरा सवाल आपको बोलूंगा कि हजरत मूसा अली सलात को कितने मोजुजे अता किए थे अल्लाह तला ने ये है जो आप सवाल मुझे पूछ रही है आ, ये दूसरा सवाल है और पहला सवाल है कि आ, पहला सवाल म, मैं आपको बताऊंगा हजरती याहिया सलात के कितने बच्चे थे ये था पहला सवाल और दूसरा सवाल हजरत मूसा आल को अल्लाह तला ने कितने मौजों से मुजे अता किए थे ये थे आज के दो सवाल मुदसर मीर ने जवाब दिया तो तो जवाब आप मुझे आ रहे हैं इनशाला रहमान जिसका सही जवाब होगा वो जरूर खाने काबा का और मदीने का दीदार करेगा तो ये प्रोग्राम हम 20 दिन से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि 813 सौ तेरह जवाब है हैं लेकिन शेयर एक है तो दरखास्त मेरी रहती है कि इसको आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें जिसने जवाब दिया है और जिस जिसने जवाब दिया है और वो जवाब के बाद फौरन शेयर का बटन दबा के शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी कुछ मिनट्स रह गए हैं उनके साथ उनमें हमारे साथ जुड़े और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो जरूर इस पेज को फॉलो करें और दूसरे लोगों तक भी बताएं हम कोशिशें कर रहे है अबरार मुतू रोजाना मेरे से पहले वही लाइव आए थे और वो भी इस्लाम के हवाले से ही सलाम ये सवाल पूछते हैं और जवाबात के बदले में हम एक छोटा मोटा गिफ्ट वहीं पे देते हैं और आशिक पडर हमारा जो है अनंतनाग नाग साइड से वो कुरान शरीफ लेके इस्लाम के हवाले से ही सवाल जवाब पूछते हैं और बुरहान साहब हैं अनंतनाग में वो भी कहीं दिनों से इस्लाम के हवाले से ही सवाल पूछते हैं और उधर ही ऑन द स्पॉट उनको देते हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स को आप ज्यादा से ज्यादा प्यार दें और ये आसानी होता है ऐसे प्रोग्राम्स का प्लान करना और इनको एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है तो आप लोगों से दरख्वास्त है हमारी इस मेहनत को जो हमारी मेहनत है जो हमारा मकसद है जो हमारा इस प्रोग्राम को लाने का मकसद है दीन इस्लाम के हवाले से नॉलेज में इजाफा करना तो इसमें आप ज़रूर हमें ताउन करें आपका ताउन सिर्फ एक शेयर है और दोस्तों में भी इसको शेयर कराएं ताकि दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़े और वो भी ऐसे प्रोग्राम्स में शमूलियत करें तो मैं अपने जो सवाल दो हैं वो आखिरी बार दोहराऊंगा तो हमारे जो दो सवाल हैं हजरत सलातम के कितने बच्चे थे ये है आज का पहला सवाल और दूसरा सवाल है हजरत मूसा अल वसलाम को अल्लाह ताला ने कितने मुजे अता किए थे ये थे हमारे आज के दो सवाल जो मैंने आपसे पूछे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको सही जवाब देंगे तो मेरी सबसे दरखास्त है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचे याहजान ने जवाब दिया जीशान नबी वानी ने जवाब दिया हाफिज आमिर ने जावेद वानी साहब जवाब दे रहे हैं, जाहिद रफीक जवाब दे रहे हैं। तो आप सबसे मेरी रूबी जान ने जवाब दिया है लोन आसिफ जवाब दे रहे हैं नजीर अहमद जवाब दे रहे हैं तो शबीर उल इस्लाम जवाब दे रहे हैं तो मेरा यही दर, मेरी यही दरखास्त है कि बस इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जवाब हमें देते रहें। <coughs> लोन जहांगीर साहब ने जवाब दिया परे परे ने जवाब दिया रूफ ने जवाब दिया मेहरू ने जवाब दिया और आसिफ पीरजादा ने जवाब दिया याहिया जान ने जवाब दिया तो मुझे एक बात बताइए कि मैं इस वक्त क्लास में शिरकत नहीं कर पा रही हूँ क्या मेरी कर पा रही हूँ मेहरबानी करके इंशाल्लाह कल इस पर बात करेंगे जरूर आज तो ऑनलाइन ही हो तो कल इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे शाहिद कश्मीरी अल्लाह आपको सलामत रखे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आमिन है, जन, गवर खान सईद जावेद बुखारी मुझे आया जान आपका समझ आया मुझे मैं इस पर सोचूंगा और आपको जरूर बताऊंगा नायदा खान ने जवाब दिया मीर मीर ने जवाब दिया समीर अहमद समीर ने जवाब दिया जाने से पहले जरूर दरखास्त है मेरी कि आप इसको अपना जवाब देने के बाद जरूर शेयर का बटन दबा के हमारे इस मिशन को कामयाब करें जो मिशन हम लेके आए हैं दीन इस्लाम के हवाले से नॉलेज को नॉलेज में इजाफा करना ये बड़ा मुश्किल होता है कि प्रोग्राम इसको बनाना और फिर ऐसे प्लान करना तो इसमें आपसे दरखास्त दुआ भी करें और शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें जुड़े तो आपका जो वक्त है वो अब खत्म होने जा रहा है तो आपसे दरखास्त जाने से पहले जरूर शेयर करिएगा जरूर शेयर करेगा आज के लिए बस इतना ही असला वरहमत लाही वरक